एक चेतनानंद जी आप जानती हैं इसको? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, शक्तियों के प्रदर्शन इस तरीके से होता नहीं है। और दूसरी बात यह है, जिसके पास शक्ति है वो स्वतः बोलती है, उसको इतने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। जल्दी से, फिर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मानते हैं कि 100 लोग नहीं उठा सकते छड़ी को? तो नहीं मानता, लेकिन इस शक्ति को मानता हूँ, क्योंकि अंगद ने अपने पैर में सारी शक्ति लगा दी थी और रावण उठा नहीं पाया था। अंगद की बात हम सब जानते हैं और हम सब ने पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कुट्टी महाराज। देखिए, अब ये लोग आपकी बात नहीं, यहाँ नहीं होगा। आप एक चीज और सुनिए, और यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, ये बात तो आप देखना है। आप आ जाइएगा, देखना नहीं तो वो लोग तो कह रहे हैं दरबार में भी नहीं होगा। दरबार में हो जाएगा नहीं माता जी? नहीं, कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज और, आप हमारे स्ट्रिंग में तो मंत्र भी भूल गए। हाँ, चार बार भूल गए जब हमारे आप अंडरकवर रिपोर्टर से बात कर रहे थे। मैं उनको समझा रहा था, भूप सास दस एक कई बार लगे उठावन तरही नटारा, ये मैं उनको बता रहा था। ये उनकी कृपा ऐसी है कि 10,000 राजा एक साथ धनुष में लग गए थे, लेकिन कोई टस का मस नहीं कर पाया। ये उनकी शक्ति का अनुभव मैं उनको बता रहा था कि ऐसा भगवान की कृपा से होता है, मैं उनको ये बता रहा था। वहां तो भूल गए आप चार बार, तो वहां भूल गए हैं, तो वहां स्मरण चला जाता है साधारण मनुष्य साहब। ये साधारण कैसे हो गए? आप जैसा इंसान पर्ची बदू निकालता हूं लोगों का भविष्य बताता हूं, मैं अपने लिए मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा क्या? मैं स्वयं कह दूं कि मैं भगवान हूं? मैं स्वयं कैसे कह दूं कि भगवान हूं? मैं स्वयं नहीं कह सकता, जिनके काम हुए हैं। सो आप जाके पूछ लीजिए, ना इधर की ना उधर की। अभी हम एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं, हम एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुट्टी महाराज नहीं मानेंगे कि वो गलत करते हैं, लेकिन कुट्टी महाराज आप जैसे बहुत लोग क्या गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? पर्ची निकाल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर्ची निकालने के नाम पर उनको मासूमों को, जो भोले भाले लोगों को, क्या अपने तरीके से गोलमोल तरीके से नहीं कर रहे हैं?